गोंदिया जिले की तिरुड़ा तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम चुरड़ी में हुए बिसेन परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक हत्या के सिलसिले में 13 दिन बीतने पर भी पुलिस प्रशासन किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचा है। अब तक प्रशासन ने किसी भी जांच एजेंसी को घटना की जांच के लिए नियुक्त नहीं किया, जिसके विरोध में पूरी ताकत और एकता के साथ बड़ी संख्या में अपने वाहनों के साथ तिरुड़ा के ग्राम चुरड़ी जाकर दुखी मन से मृतकों को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई और पूरे चुरड़ी ग्राम में इस हत्याकांड के विरोध में पैदल मार्च निकाला गया। यही पैदल मार्च गाड़ियों के काफिले के साथ तिरुड़ा थाना पहुंचा और पुलिस थाने का घेराव किया और माननीय पुलिस अधीक्षक विश्वास पानसरे को तिरुड़ा थाना बुलाने की जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार 5 घंटे के आंदोलन और समाज की एकता और जिद के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा और पुलिस अधीक्षक पानसरे को मौके पर आना पड़ा। समाज की आक्रोशित भावना सुननी पड़ी। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक विश्वास पानसरे ने पोवार समाज शिष्टमंडल को 15 दिनों में घटना का पता व सच्चाई सामने लाने का आश्वासन दिया। इस दरमियान पुलिस निरीक्षक योगेश पारधी और बड़ी संख्या में समाज के पदाधिकारी और समाज बंधु उपस्थित थे। ये पिछले 3 घंटों से हमारे नागपुर के पवार समाज संगठन के सभी पदाधिकारी और आजूबाजू के स्थानीय पवार समाज के पदाधिकारियों ने 3 घंटे से सड़क पर उतरकर जो है एक मार्च निकाला और पवार समाज की भावनाएं समाज के और अन्य समाज के सामने प्रदर्शित की। और भावना आहत इसीलिए हुई है कि 13 दिन बीत चुके हैं, हमारे इस चुरड़ी ग्राम के बिसेन परिवार के 4 लोगों की हत्या होती है और हत्या होने के 13 दिन तक कोई खुलासा पुलिस प्रशासन नहीं करता और पुलिस प्रशासन को हमारा पवार समाज पहले दिन से मदद करते आ रहा है, फिर भी जो है पुलिस प्रशासन अब तक किसी ठोस नतीजे पे नहीं पहुंचा, जिसके कारण हम सभी समाज बांधव आज 500 उतरे हैं, कल 5000 उतरेंगे। यदि हमारे पवार समाज को समय पे न्याय नहीं मिलेगा, जल्दी न्याय नहीं मिलेगा, तो आने वाले समय में हमारे पवार समाज की महिलाएं और पुरुष भी सड़क पर उतरकर न्याय मांगेगी। और आने वाले समय में हमको माननीय पुलिस अधीक्षक पानसरे साहब ने आश्वस्त किया है कि हम 10 दिन में इस केस की छानबीन करके प्रगति रिपोर्ट और आरोपी को अंदर करके पवार समाज के साथ न्याय करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया है।